सभी फ्यूचर मेडिकल्स और पेरेंट्स को वेद प्रकाश पिनवाल की तरफ से नमस्कार। आज के इस वीडियो का मुद्दा है कि अभी जो पिछले 3 या 4 दिन में काफ़ी न्यूज़ फ्लोट हो रही है या सर्कुलेट हो रही है, जो आपने देखा होगा, जो बहुत सारे ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स पे भी है और कुछ हिंदी और इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स में भी है, कि अब्रॉड से जो भी स्टूडेंट्स आएंगे उनको 2 बार इंटर्नशिप करनी पड़ सकती है। इस न्यूज़ से बहुत सारे लोग डिलेमा में हैं। तो हमने जो इंटरप्रिटेशन किया है या जो भी डेटा अभी तक निकाला है या जो भी हमारी तरफ से रिसर्च की गई है, उसमें यूजुअली ये वही चीज़ें जो लाइक हम अपने काफ़ी कुछ वीडियोस में जो फिलीपीन से एडिट वीडियोस थे उसमें हमने काफ़ी बार कहा था कि इंडिया की कोर्स ड्यूरेशन से कम अब्रॉड की कोर्स ड्यूरेशन को नहीं मान्य किया जाएगा, उनको इसको मैच करना पड़ेगा। इसलिए जैसे कि फिलीपींस में बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स बहन भाई और हमारे बहुत सारे कंसल्टेंट्स ये प्रॉमिस करते थे स्टूडेंट्स को कि आपको सिर्फ 1 या 1.5 ईयर आपको फिलीपींस में MBBS करनी है और 4 साल की जो आप MD करेंगे उसमें इंटर्नशिप इंक्लूड है आपको इंडिया में FMG क्लियर करने के बाद, नेक्स्ट क्लियर करने के बाद इंटर्नशिप नहीं करनी पड़ेगी। तो ये जो फ्लोट हो रहा है न्यूज़, इसमें यही है कि यदि आपकी डिग्री की कोर्स ड्यूरेशन इंडिया से कम है तो उसको आपको मैच करने के लिए इंडिया में वापस से इंटर्नशिप करना पड़ेगा। तो ऐसी सब कंट्रीज जो कैरेबियन आयरलैंड्स में हैं जहाँ 4 साल में MD की डिग्री दी जाती है BS के बाद, और फिलीपींस भी जो मुख्य मुद्दा है उसके बारे में भी, लाइक आज यदि आपने BS के बाद 4 साल की MD की है, फिर आपको इंडिया आने के बाद जैसा कि ये सो कॉल्ड यूट्यूबर्स कहते हैं वैसा नहीं होगा और आपको इंटर्नशिप 12 मंथ्स की रोटेशनल इंटर्नशिप फिर से करनी पड़ेगी, तभी कहीं जाकर आपको इंडिया में रजिस्ट्रेशन मिलेगा। लाइक बहुत सारे हमने लास्ट वीडियोज़ में इस चीज़ को पॉइंट आउट किया था कि ये लोग आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और आपको मिसलीड कर रहे हैं कि वहाँ पे आपको इंटर्नशिप नहीं करनी पड़ेगी और आप जो इंटर्नशिप वहाँ से कलरशिप करके आ रहे हैं 4th ईयर की, वो इंडिया में वैलिड की जाएगी। हालांकि कुछ बीच में गैप, कम्युनिकेशन गैप के कारण या कुछ रूल्स रेगुलेशंस की कमी के कारण बहुत सारी स्टेट मेडिकल काउंसिल्स ने फॉर अ टाइमिंग स्टूडेंट्स को फिलीपींस से जो पढ़ के आए उन सभी को रोटेशनल इंटर्नशिप के बिना रजिस्ट्रेशन दिया था, लेकिन जब से उनको काफ़ी चीज़ें उनके सामने आई कि इस तरीके से ऐसा हो रहा है और कंसल्टेंट से गप्पाबाजी कर रहे हैं तो सभी का अटेंशन इस तरफ गया। और लाइक सबसे पहले तमिलनाडु मेडिकल काउंसिल ने इस पर एक्शन लिया था, उसके बाद और भी बहुत सारी स्टेट मेडिकल काउंसिल्स थी, और मोस्टली अभी ये इशू जब NMC के सामने भी आ चुका है तो मोस्ट लाइकली बहुत जल्दी ही NMC इसके ऊपर भी सर्कुलर जारी कर सकती है। हालांकि उन्होंने अपनी वेबसाइट पर ये मेंशन कर दिया है कि इंडिया से कम कोर्स ड्यूरेशन की कोर्स को वैलिड नहीं किया जाएगा, जो कि आप इनके MBBS अब्रॉड गाइडलाइंस फॉर इंडियन स्टूडेंट्स जब आप सर्च करेंगे तो जो भी NMC का पेज होगा जहां आप लैंड करते हैं वहां उन्होंने एक ब्रैकेट में बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है, जिसकी इमेज भी हम आपको इसमें दिखा देंगे। बाकी यदि आप फिलीपींस MBBS कर रहे हैं तो आप प्रिपेयर रहिए कि इंडिया आने के बाद FMG नेक्स्ट के बाद आपको इंटर्नशिप दोबारा करनी पड़ेगी। और लाइकली जो अभी चल रहा है चैट के अनुसार BS की ड्यूरेशन 2 साल है, 4 साल आपको MD करनी है, 1 साल इंटर्नशिप और करनी है, तो फिलीपींस से करके आने के बाद आपको 7 साल का कोर्स ड्यूरेशन लगेगा ही लगेगा। तो मोस्ट लाइकली नोटिफिकेशन के लिए आप थोड़े दिन वेट कर लीजिए, मोस्ट स्टेट मेडिकल काउंसिल्स ने ऑलरेडी निकाल दिया है, बचा है NMC की तरफ से। बाकी आपको किसी भी तरीके और कन्फ्यूजन हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।